इमेजिन कीजिए कि आप एक छोटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म के ओनर हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं हालांकि छोटी टीम डिमांड की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज इस एक्सपेंशन में रुकावट डालते हैं यही वही सिचुएशन है जब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है लेकिन इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप ऑन प्रेमेस और क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग के बीच का डिफरेंस निकालते हैं ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सके जब स्केलेबिलिटी की बात आती है तो आप ऑन प्रेमेस सेटअप के लिए पेमेंट तो ज्यादा करते हैं लेकिन आपको ऑप्शन कम मिलते हैं एक्सपेंशन करने के बाद उसे छोटा करना मुश्किल हो जाता है और अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में भारी नुकसान होता है दूसरी ओर क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जितना इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उतने के लिए ही पे करते हैं कम या ज्यादा स्केलिंग के लिए बहुत आसान और फास्टर के साथ चलिए अब बात करते हैं सर्वर स्टोरेज की बिजली और मेंटेनेंस ऐसी जुड़ी परेशानियों के बावजूद ऑन प्रेमेंट सिस्टम को अपने सर्वर के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती है दूसरी ओर क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा ऑफर किए जाते हैं जो आपके पैसे और स्पेस दोनों की बचत करते हुए सर्वर को मैनेज और मेंटेन करते हैं हमारे पास डेटा सिक्योरिटी ऑन प्रेमेंट सिस्टम्स भी हैं, जो फिजिकल और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स के कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन के कारण कम डेटा सिक्योरिटी ऑफर करते हैं जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स बेहतर सिक्योरिटी देते हैं और आपको सुरक्षा प्रोटोकॉल को लगातार मॉनिटर और मैनेज करने से बचाते हैं ऐसे में जब डेटा लॉस होता है तो ऑन प्रेमिस सेटअप के साथ डेटा रिकवरी की संभावना बहुत कम होती है इसके विपरीत क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स में तेज और आसान डेटा रिकवरी को पक्का करने के लिए डिजास्टर रिकवरी के मज़बूत मेजर्स होते हैं अब बारी आती है मेंटेनेंस की ऑन प्रेमिस सिस्टम्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए एडिशनल टर्म्स की भी जरूरत होती है जिससे कॉस्ट्स काफ़ी हद तक बढ़ जाती है दूसरी ओर क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स की मेंटेनेंस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा किया जाता है जिससे आपकी कॉस्ट्स और रिसोर्स एलोकेशन काफी हद तक कम हो जाता है अब शायद आप जान गए हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक बेटर ऑप्शन है इसलिए आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब पेमेंट के बेसिस पर इंटरनेट पर ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी से है सिंपल शब्दों में कहें तो लोकल स्टोरेज में डिवाइस पर फाइलों और सेवाओं को मैनेज करने के बजाय आप कॉस्ट एफिशिएंट मैनर से इंटरनेट पर भी यही काम करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में दो तरह के मॉडल होते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विस मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल्स तीन तरह के होते हैं पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड इमेजिन कीजिए कि आप काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास चुनने के लिए तीन ऑप्शन हैं पहला आपके पास बस है जो पब्लिक क्लाउड्स को रिप्रेजेंट करती है इस मामले में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट पर पब्लिक के लिए उपलब्ध है इनका स्वामित्व क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है दूसरा आपके पास अपनी कार को इस्तेमाल करने का ऑप्शन है ये प्राइवेट क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑपरेट होता है इसे ऑर्गेनाइजेशन या किसी तीसरे पक्ष द्वारा मैनेज किया जा सकता है और आखिर में आपके पास कैब लेने का ऑप्शन है हाइब्रिड क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड्स की फंक्शनैलिटीज का एक कॉम्बिनेशन है आगे आइए सर्विस मॉडल्स पर एक नजर डालें। तीन मेजर सर्विस मॉडल्स अवेलेबल हैं ई एस और सैस ऑन प्रेमिस मॉडल्स की तुलना में जहां आपको एप्लीकेशन डेटा वर्चुअलाइजेशन और मिडल के साथ हर कंपोनेंट को मैनेज और मेंटेन करने की जरूरत होगी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स हैसल फ्री है यानी इसे बिना किसी झंझट के इस्तेमाल किया जा सकता है ई एस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सर्विस के रूप में सेफर करता है ये एक क्लाउड सर्विस मॉडल है जिसमे उपयोगकर्ताओं को बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस मिलता है इनका इस्तेमाल आमतौर पर आई टी एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा किया जाता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टोरेज या वर्चुअल मशीन जैसे रिसोर्सेज की जरूरत है तो ई आपके लिए सही मॉडल है आपको सिर्फ डेटा रन टाइम मेडल एप्लीकेशन और ओ को मैनेज करना है जबकि बाकी काम क्लाउड प्रोवाइडर्स द्वारा हैंडल किया जाता है अगला है पैस पैस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एप्लीकेशन को डिवेलप करने टेस्ट करने और मैनेज करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म और रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है ये सर्विस मॉडल उपयोगकर्ताओं को संबंधित आर्किटेक्चर को मैनेज और मेंटेन करने की जरूरत के बिना एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में मदद करता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है तो पैज मॉडल आपके लिए है पैज के लिए आपको सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा को हैंडल करने की जरूरत होती है बाकी कंपोनेंट्स जैसे रन टाइम मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर स्टोरेज और अन्य को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा हैंडल किया जाता है और आखिर में बारी आती है सैस की एक सर्विस के रूप में सैस या सॉफ्टवेयर में आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की होस्टिंग और मैनेजमेंट के लिए क्लाउड सर्विसेज है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की शर्तें वेंडर्स द्वारा पूरी की जाती है इसलिए आपको

ई एस और पैज कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दें और एमेजॉन वाउचर जीतने का मौका पाएं। वापस आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पर मार्केट में सबसे मशहूर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज़ में से कुछ एडब्ल्यू एस या एमेजॉन वेब सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट अजोअर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है क्या आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं? एनालिसिस करने के लिए कि ये सर्विस प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं, टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करें इसी के साथ हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं हमें आशा है की आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्सअप का बटन दबाए और लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट के लिए सिंपली लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें